प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के कैसे? देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई, लाठीचार्ज भी हो गई, जिसको लेकर के छात्र समय काफी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आज अफगानिस्तान के खालिस्तान के पम्मू आतंकवादी ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। देखिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री का नाम अमित शाह और इस देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, और मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या भारत की सरकार ने अपनी नीति को इन्होंने बदल दिया है और कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। अब किसी की हैसियत नहीं है कि राम जन्म भूमि मंदिर पर ढा दे, गिरा दे, गोला फेंक दे, क्योंकि अब यहां घुस कर मारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो पॉलिसी है मोदी जी की, वो ऐसे लोगों के घर में घुस कर मारने का तरीका अपना लिया है भारत सरकार ने। प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर के कैसे? देखिए, मेरा एक आग्रह है सरकार से, बच्चों के जो मांग है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी, यही इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुछ गलती शायद पुलिस वालों से इलाहाबाद में हो गई, लाठीचार्ज भी हो गई, जिसको लेकर के छात्र समय काफी आंदोलनरत हैं। बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, इसको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। आज अफगानिस्तान के खालिस्तान के पम्मू आतंकवादी ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। देखिए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के गृह मंत्री का नाम अमित शाह और इस देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी, और मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या भारत की सरकार ने अपनी नीति को इन्होंने बदल दिया है और कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं। अब किसी की हैसियत नहीं है कि राम जन्म भूमि मंदिर पर ढा दे, गिरा दे, गोला फेंक दे, क्योंकि अब यहां घुस कर मारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो पॉलिसी है मोदी जी की, वो ऐसे लोगों के घर में घुस कर मारने का तरीका अपना लिया है भारत सरकार ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।